हाय स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल इक्वेशंस की। अभी तक जितनी भी आपने वीडियोस देखी हैं, पिछली वीडियोस, वो सारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल इक्वेशंस की थी और उनका हमने सॉल्यूशन निकालना सीख लिया था। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल इक्वेशंस का भी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, CF और PI। CF निकालना आपने ऑलरेडी सीख लिया है पिछली वीडियो में, अब आपको PI निकालना सीखना है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि चाहे इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो, PI निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CF निकालने में ही फ़र्क सिर्फ पड़ता है, PI निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो। तो वही जो टाइप्स, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 जो आपने होमोजीनियस के लिए पढ़ी थी, उन्हीं वीडियोस को आपको दोबारा देख लेना है और नॉन होमोजीनियस के प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही आप लोगों के लिए गिफ्ट है और इस चीज़ से आप लोगों के लिए कोर्स लगभग आधा हो गया, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए कि एक ही फार्मूला होमोजीनियस में भी लग जा रहा है, नॉन होमोजीनियस में भी लग जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ CF का फार्मूला दोनों के लिए अलग है, बाकी कोई भी फार्मूला दोनों के लिए अलग नहीं है। वही टाइप्स इस पे भी लग जाएंगी, आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में जो भी आपके दे रखे हैं।